हनुमान जी को डॉक्टर कह देना, ये कोई हनुमान जी की महिमा नहीं हो जाते? और हनुमान जी को भी हम डॉक्टर कहें तो फिर क्या फर्क है? डॉक्टर तो बहुत है दुनिया में। दंदरुआ धाम का ये परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हिंदुस्तान की ही नहीं वरन विश्व की ख्याति प्राप्त संत अग्नि अखाड़े की महामंडलेश्वर परम पूज्य माँ कनकेश्वरी देवी जी यहाँ पधारी हैं। इस स्थान के महामंडलेश्वर 1008 परम श्रद्धे पूज्य गुरुवर श्री रामदास जी महाराज का और माँ का यह मिलन इस दंदरुआ धाम में आज मंगलवार के दिन जो हो रहा है वह अलौकिक और बहुत आनंददायक है। माँ के साथ पधारी हुई सभी हमारे अतिथि और परम पूज्य गुरुवर जो गुजरात से माँ के साथ यहाँ पधारे हैं, दंदरुआ धाम की ओर से मैं उन सब का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और वंदन करता हूँ। भारतीय संस्कृति की परम गहराइयों को छूते हुए माँ का जो ज्ञान है, जो वेदज्ञ ज्ञान जिसको कहा जाए, ग्रंथों का ज्ञान जो कहा जाए, बहुत अतुलनीय और दूसरी कोई सानी कोई उदाहरण उनका नहीं दिया जा सकता। हम जब जब महाराज जी दंदरुआ सरकार बात होती है तो वो अपनी चर्चा में एक बार माँ का स्मरण जरूर करते हैं। दंदरुआ महाराज कहते हैं कि माँ की कथा अद्भुत कथा है। तब हम ये मान के चलते हैं कि गूढ़ की बात सहज और सरल शब्दों में जिस तरह माँ प्रतिपादित करती हैं, ग्रंथों की बातों को हम अपने अर्थ में न समझ पाएं, वास्तविक शब्दों में न समझ पाएं, माँ उसको इतनी सरल रूप से समझाती हैं कि हमारे और आपके सबके समझ में आ जाता है। माँ के साथ यहाँ पधारे हुए भाई रामू, भाई भदौरिया जी, आदरणीय कटारी आदि सभी, मैं सबका यहाँ दंदरुआ धाम की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ के प्रधान पुजारी से मैं आग्रह करूँगा कि वे आएँ और महाराज जी को इधर वस्त्र दें ताकि माँ को अर्पण किए जाएं। आदरणीय दंदरुआ सरकार परम पूज्य माँ का अभिनंदन और स्वागत करते हुए सॉल और श्रीफल से माँ का स्वागत और अभिनंदन। बस माँ से यही प्रार्थना, ये जो हनुमान धाम है जिसको डॉक्टर हनुमान कहते हैं और यहाँ पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं दुनिया के तमाम लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आके अपने रोगों से निदान पाते हैं, उसमें महाराज जी का बहुत बड़ी तपस्या और महाराज जी का तप उसमें सम्मिलित है। माँ महाराज जी के तप के प्रभाव से हनुमान जी लोगों का कष्ट निवारण करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आज आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए यही निवेदन करना चाहूँगा इस धाम की ओर से, दंदरुआ धाम की ओर से माँ के चरणों में कि माँ जब जब आप यहाँ पधारें, आपकी कृपा यहाँ महाराज जी के साथ जो आपका सान्निध्य और स्नेह है वो प्रभु हनुमान जी की कृपा से ऐसा ही बना रहे और आप जब पधारें जब आपके दर्शन इस धाम पर इसी तरह हमको होते रहें। बोलिए हनुमान जी महाराज, बोलिए दंदरुआ धाम की, परम पूज्य माँ कनकेश्वरी देवी जी की, परम पूज्य श्री रामदास जी महाराज की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री दंदरुआ सरकार की जय। श्री दंदरुआ धाम की इस दिव्य भूमि में महामंडलेश्वर पूज्यपाद रामदास जी महाराज श्री, हमारे श्री महंत परमेश्वरानंद जी महाराज श्री, दंदरुआ धाम के ही शिष्य महामंडलेश्वर राधिका दास जी महाराज श्री और यहाँ के पुजारी जी, इन सभी की बड़ी ही कृपा है, बड़ा ही स्नेह है जो मेरे प्रति है। मैं मानती हूँ कि स्थान के मुखिया का जो भाव होता है वो निसंदेह स्थान के अधिष्ठाता देवता का ही होता है। तो महाराज जी के आशीर्वाद और कृपा के रूप में जो मुझे प्राप्त होता है, मैं ये समझती हूँ कि हनुमान जी महाराज अपनी कृपा का प्रसाद मुझे इस रूप में प्रदान करते हैं।
और अभी जो महेश जी ने बताया वो बिल्कुल सटीक बात आपने बताई कि किसी भी स्थानक में देवता प्रकट हो जाए, हमारे गुरुओं की तपस्या से, हमारे पुरखों की तपस्या से, हमारे पहले के गुरुओं की तपस्या से, तो साधना से कहीं देवता प्रकट तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वर्तमान संत की त्याग तपस्या और वैराग नहीं होता तो फिर उसी स्थान में देवता को इस तरह टिका पाना संभव नहीं होता। आज दिन प्रतिदिन स्थान की महिमा बढ़ती जा रही है, ये स्थान की दिव्यता बढ़ती जा रही है, इस स्थान का प्रभाव जो भारत के कोने कोने तक और भारत के बाहर तक जो पहुंच रहा है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि महाराज जी की त्याग तपस्या साधना तो है, लेकिन हनुमान जी को छूने वाली जो वस्तु हनुमान जी के हृदय को जो बहुत अच्छा लगता होगा वो महाराज जी की जो सरलता है, महाराज जी की जो सादगी है, महाराज जी की साधुता है, और वही संतों को खींच के वही लाता है। बाकी परमात्मा कण कण में है, कोई भी कहीं भी बैठ करके हनुमान जी की आराधना साधना कर सकता है, लेकिन हमारा ग्वालियर पहुंचने के बाद या फिर इस क्षेत्र के आसपास आने के बाद हमारी कोई कथा ऐसी नहीं है कि दंद्रोवा सरकार के दर्शन के लिए हमारा आना नहीं हुआ हो, और हम चुकना भी नहीं चाहते। अभी ग्वालियर कथा चल रही है देवी भागवत, लेकिन मैं तो यही समझती हूँ कि इस क्षेत्र के आसपास में जितनी भी कथा होती है तो दंद्रोवा सरकार बुलाने के लिए ही कथा की व्यवस्था कर लेते हैं, किसी न किसी को प्रेरणा देते हैं। तो आज मंगलवार के दिन हमारे साथ हमारे महेश मुदगल जी, हमारे रामू तोमर जी भदौरिया जी, और ग्वालियर से भी बहुत महानुभाव हमारे साथ यहाँ पर जो आए हैं, तो दंद्रोवा महाराज की हम सभी के ऊपर कृपा बनी रहे, और इसी प्रकार हनुमान जी हम सभी के मन के रोगों का निदान करते हैं, हनुमान जी तन के रोगों का निदान करते हैं ऐसी बात नहीं है, वास्तव में हनुमान जी मन के रोगों को मिटाते हैं, और इंसान का मन का रोग ठीक हो जाता है तो तन अपने आप ठीक हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी तन का रोग ठीक करने वाले तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, हनुमान जी को डॉक्टर कह देना ये कोई हनुमान जी की महिमा नहीं हो जाती, क्योंकि डॉक्टर तो गली गली में है, और हनुमान जी को भी हम डॉक्टर कहें तो फिर क्या फर्क है, डॉक्टर तो बहुत है दुनिया में, लेकिन हनुमान जी की विशेषता ये है कि जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते वो काम हनुमान जी कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी मन के रोग को ठीक करते हैं, और जब मन का रोग ठीक हो गया तो फिर बहुत सारी तन की बीमारियों का भी यही कारण है, तो इसी प्रकार हनुमान जी के दर्शन हमको होते रहे और महाराज श्री का भी आशीर्वाद और दर्शन प्राप्त होते रहे, ऐसी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना। बोलिए दंद्रो।